क्वींस को एक साथ संभालना भी किसी चुनौती से कम नहीं होता और ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है आपके सामने जो आपको हर हाल में एक्सेप्ट करना होता है और इसके लिए आपको पहले से ही मेंटली एंड फिजिकली तैयार रहना पड़ेगा बिकॉज क्वींस होने के बाद में आपकी जो दुनिया है वो एकदम से बदलने वाली है एंड आपके जो शेड्यूल है वो सारे एकदम से चेंज होने वाले हैं। एंड क्वींस में ज्यादातर ऐसा होता है कि एक बेबी ठीक रहता है एंड एक बेबी बहुत ज्यादा कमजोर होता है तो ये एक और ज्यादा चैलेंज हो जाता है, एक बेबी का कुछ ज्यादा ही स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स दूंगी जिनको फॉलो करती है तो आपके लिए ये जो सफर होगा बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा बिकॉज मैं भी एक ट्विंस मदर हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली बात कि आपकी डिलीवरी होने के बाद में आप कोशिश करें कि लगभग एक से डेढ़ महीने तक आप अपने पास में अपनी मदर या फिर किसी को भी रखें जो भी आपके फैमिली मेंबर में हो, क्योंकि उस समय जितनी ज्यादा जरूरत बच्चों को होती है उससे कई ज्यादा जरूरत आपकी बॉडी को होती है। स्टार्टिंग के 3 महीने में ट्विंस बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, शुरुआत में जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी एकदम से जो वातावरण होता है वो बिल्कुल अलग होता है एंड बच्चों को उस वातावरण को समझने में काफी टाइम लग जाता है एंड बच्चों को अपनी मदर को समझने में टाइम लगता है, जो मदर होती है स्पेशली न्यू मदर उनको अपने बच्चों को समझने में टाइम लग जाता है। तो सबसे पहली टिप है कि आपको अपने माइंड में पहले से ही बिठा लेना है जैसे जिंदगी अभी आप जी रही हैं, मतलब आपका जब मन कर रहा है तब आप खा रही हैं, उठ रही हैं, बैठ रही हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद में आपकी मर्जी बिल्कुल नहीं चलने वाली है एंड आपके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होगा बल्कि आपको अपना जो शेड्यूल होगा वो अपने बच्चों के अकॉर्डिंग बनाना होगा एंड आपको एक बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग सेट करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करती है तो आपको बहुत ही दिक्कत होने वाली है। जो सबसे बड़ा आपके लिए चैलेंज होने वाला है वो है कि डिलीवरी होने के बाद में आपकी जो नींद है वो प्रॉपर पूरी नहीं हो पाएगी बिकॉज शुरुआत की 3 महीने बच्चे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं एंड वो रात में भी जगते हैं, दिन में भी जो है परेशान करते हैं, तो उनका जो है 24 घंटे आपको ख्याल रखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। इस चीज के लिए आप अपने आप को पहले से ही रेडी रखें ताकि आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना हो। एंड दूसरी बात कि आप शुरुआत में जो है बच्चों को संभालेंगी तो कभी कभी आपको बहुत ज्यादा रोना आएगा, कभी कभी आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगी क्योंकि उस समय आपकी बॉडी ज्यादा काम नहीं करेगी, कमर दर्द, पीठ दर्द, घुटने दर्द, सर दर्द, ये सारी प्रॉब्लम आपको सताने वाली है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो बॉडी को रिकवर होने में लगभग 1 से 1.5 महीना लग जाता है एंड अगर आपकी सी सेक्शन होती है तो 2.5 से 3 महीना लग जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा मुश्किल सफर होता है। लेकिन आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जब तक आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर नहीं हो जाती, जब तक आप पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती, तब तक तो टाइमिंग सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस यहाँ पे कुछ अपनी आदतों को चेंज करना है। सबसे पहली बात कि जब आपकी डिलीवरी हो जाए तो आपको सबसे पहला जो काम करना है वो है कि आपको अपनी खिलाई पिलाई पर विशेष ध्यान देना है। अगर आप चाहती हैं जल्दी से जल्दी रिकवर हो, आपको जो भी डाइट में दिया जाए, हरीरा है, दूध है, मेवे के लड्डू है, इन सारी चीजों का सेवन जरूर करें। उस समय आपकी बॉडी के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं और ये आपको बहुत ही मदद करती हैं आपके कमर दर्द, घुटने दर्द एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपका जो मिल्क होगा वो बहुत ही अच्छा प्रोड्यूस होगा एंड आपको जो है डिलीवरी होने के बाद में आपको कम से कम 2 से 3 गिलास दूध एक दिन में जरूर लेना है। आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें एंड आप अपना प्रोटीन पाउडर है उसको बिल्कुल चालू रखें। एंड दूसरा जो चैलेंज आएगा आपके सामने वो होगा दोनों बच्चों को एक साथ दूध पिलाने का। और मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि आप कोशिश करें दोनों बच्चों को शुरू के 6 महीने तक अपना ही दूध पिलाएं और आपको यहाँ पे बिल्कुल चिंता नहीं करनी कि आपका दूध होगा कि नहीं होगा, आराम से हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सारी चीजें गॉड गिफ्ट होती हैं, जिस तरीके से सिंगल प्रेगनेंसी में ट्विंस आ जाते हैं उसी तरीके से उतने ही ब्रेस्ट में दोनों बच्चों के लिए दूध आराम से होता है, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कि देखिए ट्विंस में क्या होता है कि जरूरी नहीं है दोनों बच्चे एक साथ ही उठें, एक साथ ही सोएं, ऐसा भी होता है कि एक बच्चा कभी पहले उठ जाता है, एक बच्चा बाद में उठ जाता है। तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी पहला बच्चा उठ जाए तो आपको तुरंत ही उसको फीड करा देना है, आप कोई भी काम करिए हो सारे काम बंद कर दें, क्योंकि क्या होता है कि अगर बच्चा उठ गया पहला और आप दूध नहीं पिलाई तो फिर क्या होगा कि थोड़ी देर बाद वो भी उठ जाएगा, फिर आपको दोनों को एक साथ पिलाना होगा। अगर आप इस कंडीशन से ज्यादातर बचना चाहती हैं तो आप कोशिश करें जिस समय जो बच्चा जग रहा हो उसको तुरंत ही पहले ब्रेस्ट फीड करा दें, दोनों बच्चों की मालिश डेली करें। इससे क्या होगा कि दोनों बच्चे जब प्रॉपर नींद लेंगे तो आपको भी थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। शुरू के 6 महीने आपको सिर्फ वो काम करने जो आपके लिए जरूरी है, बाकी आपका झाड़ू पोछा, बर्तन, साफ सफाई, इनमें ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है बिकॉज ट्विंस होने के बाद सब कुछ ऐसा ही रहता है। समय आपको जो है डबल स्ट्रॉलर का यूज करना है ताकि आप दोनों बच्चों को एक साथ आराम से बाहर पार्क वगैरह में टहलने के लिए ले जा सके।
इससे आपको भी बहुत अच्छा फील होगा एंड बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। छोटे बच्चों को ना बाहर घूमना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ट्विंस होने के बाद में आपको स्टार्टिंग के 7.5 महीने बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है एंड उसके बाद में जैसे जैसे एक बेबी बैठना स्टार्ट कर देता है या दोनों बैठना स्टार्ट कर देते हैं, खेलना स्टार्ट कर देते हैं, तो धीरे धीरे आपकी जो टेंशन है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो बच्चे आपको समझने लगेंगे एंड आप बच्चों को समझ पाएंगी एंड आप जो बच्चे की रिक्वायरमेंट है उसको समझने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं वो बेबच्चे कम रोते हैं, उनको मालिश चाहिए होती है एंड उनको भूख लगती है, उनको गर्मी लग रही होती है या फिर आपने जो उनको डायपर वगैरह पहना रखा है वो गंदा हो गया या फिर कोई रैसेस वगैरह हो गए तब वो रोते हैं। तो छोटे बच्चों को जब भी कोई दिक्कत होती है तभी वो रोते हैं। तो आपको अपने बच्चों को पूरी तरह से समझने की कोशिश करनी है कि आखिर कौन सी प्रॉब्लम की वजह से बच्चा रो रहा है। आप कोशिश करें अपने दिन की शुरुआत सुबह जल्दी करें, क्योंकि अगर आप सुबह 10 बजे सोके उठेंगी तो आपका पूरा शेड्यूल बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा एंड बच्चे भी आपको परेशान करेंगे बिकॉज उनको टाइम से मालिश नहीं मिलेगी, टाइम से उनको दूध नहीं मिलेगा। सुबह जितनी देर तक सोएंगी आपको उतनी ही ज्यादा कमजोरी लगेगी। आप टाइम से सो रही है नहीं सो रही है वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपको सुबह जल्दी उठना ही होगा। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचता है कि आप सुबह उठी पहले मैं नहा लूं फिर मैं पूजा कर लूं उसके बाद मैं खाऊंगी, तो ना तो आप नहा पाएंगी टाइम से, ना ही आपको खाने को मिलेगा और ना ही आपकी कोई पूजा हो पाएगी। क्योंकि क्या होता है ट्विंस होने के बाद में क्या रहता है कि हमने एक बच्चे का कर पाया तब तक दूसरे बच्चे का टाइम हो गया, दूसरे बच्चे का किया तब तक पहला बच्चा उठ गया, तो यही सिस्टम चलता रहता है। तो आप कोशिश करें सबसे पहले उठ के बिना कुछ करे सीधे आप किचन में जाएं, सबसे पहले एक ग्लास दूध लें एंड अपने लिए बेबा के लड्डू जरूर बना के रखें। शुरुआत के 6 महीने बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, दूध के साथ 2 लड्डू तुरंत ले लें। उसके बाद में आप जो है तुरंत दलिया या मूंग की दाल तुरंत बनने रखते एंड उसको जो है तुरंत आप उसको खा लें एंड उसके बाद में आप जो भी अदर काम है वो करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी कैल्शियम और आयरन की जो टेबलेट है 6 महीने तक जरूर चालू रखें, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा कमजोर जाएगी बिकॉज दो दो बेबी फीड करेंगे तो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा कैल्शियम की कमी हो जाएगी। कि आपको पानी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, डिलीवरी के बाद आप गर्म पानी ही पिए, वो भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ले ताकि आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बहुत ही अच्छा प्रोड्यूस हो। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो आपको ट्विंस को एक साथ पालने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, इसलिए आपको अपनी टाइमिंग एंड आपको अपना रूटीन जरूर बदलना पड़ेगा, तभी आप जो है अच्छे से ट्विंस को मैनेज कर पाएंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ट्विंस है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एक बच्चे का टीका पहले लगवा रही हैं, दूसरे का टीका बाद में लगवा रही हैं। आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, दोनों का टीका एक साथ लगवाए, मैंने भी लगवाए थे। क्योंकि टीके जो होते हैं उनका एक टाइमिंग होता है, जैसे मान लीजिए 1.5 महीने का टीका अगर आप बच्चे को 2.5 महीने पे लगवा रही हैं तो वो बात नहीं रहती है, जो उसका असर होता है वो कम हो जाता है। तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है, आप बच्चों का टीका जो है वो टाइम से ही लगवाएं। एंड अगर आप जानना चाहती है कि टीका लगवाने के बाद दोनों बच्चों को एक साथ मैं कैसे मैनेज करती थी एंड मेरा क्या शेड्यूल रहता था, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिले। डिलीवरी के बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूर करें डेली, इससे भी आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होगा और आपकी जो माइंड में टेंशन तनाव होता है वो भी थोड़ा सा दूर होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।